बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़ी बावली के बग़ैर रोहतास किले का टूर नामुकम्मल रहता है। बावली सीढ़ियों वाले कुएं को कहा जाता है। शेरशाह सूरी और दीगर हुक्मरानों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सी बावलियां बनवाई। इनमें बाज़ तो ऐसी भी थी जिनमें हाथी और घोड़े भी उतर सकते थे। बाज़ बावलियों के इर्द गिर्द राहदारियाँ और कमरे भी बनाए गए थे जो शदीद गर्मी में भी ठंडे रहते। बाज में खुफिया रास्ते भी मिले हैं जो हंगामी हालात में इनखला के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। किसी ज़माने में रोहतास किले के मकीम बड़ी बावली से पानी की अपनी ज़रूरियात पूरा किया करते थे। इसमें आज भी पानी मौजूद है, ताहम अब वो काबिले इस्तेमाल नहीं रहा। ये बावली सुहेल गेट से मोरी दरवाजे की तरफ जाते हुए रास्ते में आती है। इसकी कुल 150 सीढ़ियाँ हैं जो कुएँ के पानी तक रसाई के लिए बनाई गई हैं। ये सीढ़ियाँ आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। हर 10-15 सीढ़ियों के बाद एक वसी सीढ़ी बनाई गई है ताकि पानी लाने वाले कुछ देर रुककर आराम कर सकें। नाजरीन, ये वो रास्ता है जो सुहेल गेट से बड़ी बावली की तरफ जाता है। अब आसानी 5 से 7 मिनट में पैदल चलकर बावली तक पहुंच सकते हैं। आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल के ज़रिए भी वहाँ तक जा सकते हैं, मगर पैदल चलकर इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने का लुत्फ ही कुछ और होता है। और मेरा मशवरा यही है कि आप पैदल चलकर जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। नाज़रीन, हम बड़ी बावली की सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं। मैं इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर कुएं के पानी तक जाऊंगा। मैं उतरते वक्त दिल में इन सीढ़ियों की तादाद गिनता जाऊंगा। आप भी गिनने की कोशिश करें ताकि असल तादाद का अंदाज़ा हो सके और ये भी अंदाज़ा हो कि कुएं के पानी तक पहुंचने में वक्त कितना लगता है। जाता तुम जाता।
नाज़रीन, मेरी गिनती के मुताबिक जो सीढ़ियाँ मौजूद हैं उनकी तादाद 148 बनती है, लेकिन कुएं से पहले मिट्टी का एक ढेर भी मौजूद है। हो सकता है कि दो सीढ़ियाँ मिट्टी के इस ढेर में छुप गई हों। इस तरह सीढ़ियों की कुल तादाद 150 बनती है। जहाँ तक वक्त के ताल्लुक है, रिकॉर्डेड वीडियो के मुताबिक 2 से 2.5 मिनट में हम कुएं के पानी तक पहुँच सकते हैं। नाज़रीन, आज किला रोहतास की 4 किस्तें मुकम्मल हो गई, मगर एक तिशनगी अभी बाकी है कि किला रोहतास अंदर से ज़्यादा बाहर से खूबसूरत दिखता होगा, क्योंकि इसके 14 दरवाज़े, बुर्ज, बुर्जियाँ और कंगूरे जो मंज़र बाहर से पेश करते हैं, किला के अंदर से हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लिहाजा इंशाल्लाह हम कभी किला रोहतास को बाहर की तरफ से एक्सप्लोर करके इस तिशनगी का अजाला करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।